हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि देख रहे हैं कि एक विज्ञापन रिलीज हुआ है जो कि यह अमर उजाला का है। इसमें बताया जा रहा है कि हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है जो कि नेक्स्ट वीक तक हमारी आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या यूपी पुलिस। अब इसमें यह देखा जाएगा कि क्या एज लिमिट है, क्या हमारा क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, और उसके पहले ये समझते हैं कि आखिर में अमर उजाला की वैकेंसी जो आई है, जो विज्ञापन आया, आखिर में उसमें क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि यूपी पुलिस में आई बम्पर भर्ती करना होगा ऑनलाइन अप्लाई इसी हफ्ते से शुरू। मैंने पहले ही बताया कि इस हफ्ते से हमारा नोटिफिकेशन आ गया है और अगले हफ्ते से नेक्स्ट वीक से जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीक होगा, जो वीक होगा हमारा अप्लाई करना हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करना हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। क्या होगा, ऑनलाइन। ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे जो कि आपको सबको मालूम है। अब बात आती है क्या, क्या कि मैं अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो योगी जी ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 वैकेंसी, यानी कि 60,244 वैकेंसी क्लियर कर दी गई है कि निकाली जाएगी। अब ये कौन कौन पदों के लिए निकाली जाएगी, उसके लिए तो सबसे पहले जो निकाली जाएगी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए निकाली जाएगी। अब ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कितनी वैकेंसी आएगी और भी कौन सी वैकेंसी आएंगी उसके बारे में डिटेल लेना है। दूसरा जो आएगा वो हमारा आएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के आएगा। और तीसरा जो वैकेंसी आएगा वो हमारी आएगी किसके लिए आएगी, पीएससी के लिए यानी कि ये तीन वैकेंसी इन्होंने क्लियर कर दी गई है कि 60,244 वैकेंसी इन्होंने निकाली है जो कि अगले हफ्ते से हम अप्लाई करना चालू कर देंगे। अब पहले सबसे पहले तो हमारा आता है यूपी पुलिस, तो उन्होंने यूपी पुलिस में क्या कहा है ये चीज आप देखिए। कहा इन्होंने कि प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है जो कि एक हफ्ते के भीतर जारी कर रहा है। अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, अभी अप्लाई तो करना पड़ेगा। अब एक आइडिया इन्होंने कहा है कि 25 लाख जो है वो वैकेंसी अप्लाई की जाएगी। क्या होगा, अप्लाई जो होगा इतने लोगों का अप्लाई होगा। अब इतने लोग अप्लाई करेंगे तो आखिर में आप सोचिए 60,000 वैकेंसी है भाई, लमसम तो 60,000 है, जिसमें 25 लाख लोग अप्लाई कर देंगे। अब 25 लाख लोगों में कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होगा, ये तो आप क्लियर समझ रहे हो। अब कंपटीशन होगा तो इसके लिए हमें तैयारी भी अच्छी करनी है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे यूपी पुलिस का नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं है, और उसमें कंफर्म है कि 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, उसके बारे में आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अब आती बात कि आखिर में कैसे कैसे क्या है सिस्टम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है हमारा कांस्टेबल आएगा, कांस्टेबल है, उसका कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद हमारा क्या है, पीएससी है। अब कितनी कितनी कौन सी वैकेंसियां निकालेगा उसके बारे में डिटेल लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है यूपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए। क्या आ रहा है, कांस्टेबल के लिए। इसमें कितनी वैकेंसी है, तो इसमें क्लियर बोला गया कि टोटल 60,000 वैकेंसी है, तो इसमें लगभग 56,000 प्लस वैकेंसी आएगी, 56,000 प्लस वैकेंसी आएगी। उसके बाद जो दूसरी आ रही है वो आ रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आ रहा है, इसमें आ रहा है 1906 वैकेंसी आ रही है, इसमें जो आ रहा है 1906 वैकेंसी आ रही है। तीसरा जो है, अब ये लमसम है, अभी क्लियर नहीं किया गया, बट ये बता दिया गया यूपी पुलिस में 60,244 वैकेंसी है, उसके बाद ये दोनों वैकेंसी आ जाएंगी इसी में। तीसरी जो वैकेंसी है पीएससी की है, ये जो आएगी वो जनवरी में आएगी,
उन्होंने साफ बोल दिया है कि जनवरी में मैं घोषणा कर रहा हूं कि ये वैकेंसी मैं निकालूंगा। इसमें आएगी लगभग हमारी 10,584 वैकेंसी। योगी जी ने यह घोषणा कब की है? इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रविवार को पीएससी की स्थापना दिवस के अवसर पर इन्होंने घोषणा की है कि मैं इतनी वैकेंसी निकालूंगा। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि वैकेंसी क्या क्या आएगी, तो उसके लिए अब एज लिमिट भी होनी चाहिए। अब एज लिमिट क्या होगी, उसके बाद हमारा सिलेबस क्या होगा, ये चीज हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा एज। अब एज की बात करूं तो इसमें साफ साफ कहा है कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और यानी कि मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए वो आपका 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होगा वो हमारा जो होगा वो क्या होगा, 23 साल होगा। यानी कि 18 साल मिनिमम होगा और मैक्सिमम क्या होगा हमारा, 23 साल होगा। अब बात करें छूट के लिए, तो एससी जो है वो हमारा 5 साल की छूट मिलेगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में हमारा 3 साल के लिए छूट मिलता है, और जनरल में कोई छूट नहीं होता है, वो इतना ही चलेगा। तो ये तो हमारी हो गई एज की बात। अब आते हैं हम सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस भी थोड़ा जानना जरूरी है कि आखिर में सिलेबस इसका क्या होने वाला है। तो सिलेबस की बात करूं तो इसमें 4 चीजें आएंगी। सबसे पहले जो आएगा वो हमारा आएगा जीएस, यानी कि जनरल साइंस, सॉरी जीके आएगा, सॉरी जीके आएगा, यानी कि सामान्य अध्ययन। ये तो सब आपको मालूम है, जीएस कह लीजिए वो भी वही बात है, जनरल स्टडी हो गया, यही चीज हो गया। दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी मैथ्स, तीसरी जो चीज आएगी वो आएगी हमारी हिंदी, क्या आएगी, हिंदी। चौथा हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा रीजनिंग। अब बात करें कि आखिर में इसका कैसे क्या क्या सिस्टम है, पेपर कितने का बनेगा, ये सब चीजें हम बता रहे हैं। अध्ययन की बात करें तो ये हमारे टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 76 नंबर के आएंगे। मैथ्स की बात करें तो ये भी 38 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 76 नंबर का बनेगा। हिंदी जो है हमारा 37 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 74 नंबर का बनेगा। रीजनिंग हमारी 37 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 74 नंबर का ये भी बनेगा। टोटल हमारा 150 क्वेश्चन आएंगे, और जो मार्क्स बनेंगे, जो हमारा मार्क्स है वो 300 नंबर का होगा। यानी जो पेपर हमारा बनेगा वो 300 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन हो गए हमारे, और ये हमारे मार्क्स हो गए, यानी क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा 38 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 38 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, और 37 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो दोस्तों ये चीज आपने देखा कि आखिर में क्या है। तीसरी चीज जो बात आएगी वो हमारी आएगी क्वालिफिकेशन की। भाई क्वालिफिकेशन भी तो है, कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपका 12 होना चाहिए, यानी 12 क्लास होनी चाहिए। उसके बाद 12th क्लास होनी चाहिए। इसके बाद आप चाहो तो आपके पास और डिग्री है तो बेटर है, यानी कि आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या ITI हो। ITI हो, एनीथिंग, यानी कोई भी ग्रेजुएशन हो, BA हो, BSc हो, BA है, BSc है, एनीथिंग। यानी कम से कम मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये मिनिमम की बात करें तो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, यानी कि 12 क्लास होना चाहिए। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई। कंप्यूटर ऑपरेटर में चले तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये किसमें होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर में ये कंप्यूटर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको क्वालिफाई करना है इसको, तो हमारे क्लास को ज्वाइन करिए, जो कि नेक्स्ट वीक से हमारे यूपी पुलिस की क्लासेस
चालू होने जा रही है मैथ्स की, उसमें आपको पूरा मैथ्स आपको खत्म करवा दिया जाएगा और बहुत जल्दी करवाएंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई वैकेंसी आती है तो वो 3 महीने का टाइम देता है, 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस खत्म करना होता है। तो दोस्तों हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें, हमारे जो चैनल चल रहा है उसको आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको मैथ्स की क्लासे आपको मिलती रहे और 100% आपको क्वालिफाई करें यूपी पुलिस का। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक बात और, हमारी अभी SSC GD क्लासेस चल रही है, यदि आप कोई फॉर्म भरे हैं SSC GD का तो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बात, आप हमारे जो वीडियो है इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और वो हमसे ज्वाइन हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।